मंच पर उपस्थित प्रभुराज जी सैनी, हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री, सांसद श्री कृष्ण सिंह जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक बोर्ड राजस्थान श्री प्रेम जी यादव, हमारे खबड़ा क्षेत्र के विधायक श्री प्रताप सिंह जी, श्री रामपाल जी बारा, श्री ललित जी मीना किशनगंज, श्री नंद जी सुमन जिला प्रमुख जी, श्री हेमराज जी मीना प्रदेश अध्यक्ष महोदय एससी मोर्चा, श्री मजीद मलिक अल्पसंख्यक मोर्चा, श्री नरेश जी सिकरवार हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, मंजू दादीज प्रधान महोदय अंता, श्री मेहता चेयरमैन महोदय यूआईटी और अमीन पठान हज कमेटी के अध्यक्ष, उपस्थित सब इस क्षेत्र के गांव से आए हुए हमारे सब महानुभाव भाई बहनों बुजुर्ग सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज के इस बहुत ही अच्छे और भव्य कार्यक्रम के अंदर आप लोग सब यहां उपस्थित हुए उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं इसीलिए आई हूं क्योंकि मैंने कहा कि इसको 12 के अंदर भी मैं ही चालू करना चाहती हूं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो चुका है जो खाली अपने प्रदेश के अंदर चला नहीं गया है परंतु देश के अंदर भी और अंतर्राज्यीय लेवल के ऊपर भी इसका नाम आज हो गया। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूं क्योंकि यह कार्यक्रम आप लोगों के बिना नहीं हो सकता था। यह कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और हमने आज दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम सब अपने पैर पर खड़े होकर खुद अपने हाथों से यह काम करा सकते हैं। मुझे याद है कि ये उपज भी क्यों हुई, ये इसलिए निकल के आई क्योंकि हमने कहा कि पानी का हमारे पास भाग या हिस्सा पूरे देश का सिर्फ 1% है। अगर जमीन को देखो तो 10% जमीन हमारी है परंतु उसमें सेलाइन फ्लोराइड ऐसी ऐसी गंदगी पानी के अंदर है तो वो पानी हम लोग सही तरीके से पी भी नहीं सकते हैं। उस पानी का इतना दोहन हो गया है कि आज उसकी गहराई ग्राउंड वाटर की गहराई और नीचे चली गई। और अगर हम सरकार की ओर ही देखते रहेंगे, अगर हम लोग सब मिलकर इसको अपने हाथ पर ही लेंगे तो शायद इस बीमारी को शायद इस चीज को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। आज एक साल बाद हमने जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को जमीन में लाने का आपने काम बताया। मैं आपको बताना चाहती हूं पिछले साल हमने 3,500 गांव लिए थे और आज वो 3,500 गांव के अंदर करीबन 1,00,000 MIT टैंक वगैरह तालाब वगैरह हम लोगों ने बनाए। 95% हमारे लिए MIT टैंक और ये आपके तालाब सक्सेस हुए। लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि हम अपनी इतनी मेहनत करेंगे तो क्या इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं। लोग दूर से देख रहे थे कि यहां क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, यहां पुलिस जुड़ी तो आर्मी जुड़ी तो कर्मचारी जुड़े तो लोग जुड़े अधिकारी जुड़े तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो जो जीते हुए चुनाव थे वो जुड़े, जनता जुड़ी, इंडस्ट्री जुड़ी और सब लोगों ने जुड़ के एक साल तक काम किया। और जब 6 महीने के बाद बरसात आई तो रिजल्ट उसका इतना अच्छा हुआ कि हमको लगा ही नहीं था कि ऐसा मिलेगा। सब तालाब भगवान की दया से लबालब हो गए थे और जो नीचे के ब्लॉक बने ग्राउंड वाटर था वो पूरा ऊपर आ गया था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सोचा था कि इतनी जोरदार बरसात आई मालूम नहीं कितना नुकसान होगा, परंतु वो 1,00,000 टैंक में से 5% ऐसे थे जो पूरे राजस्थान के अंदर डैमेज हुए, नहीं तो 95% टैंक हमारे भरे हुए आपको देखने को मिले। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि उसी समय प्रधानमंत्री जी ने चला के हमको कहा कि ऐसा काम हमने देखा नहीं है, हमने ट्वीट किया बहुत खुश हुए। इसी तरीके से मैंने देखा कि बाहर के जो लोग प्रदेश हैं चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो तेलंगाना क्यों ना हो, इन लोगों ने आके पूछा कि कहां है ये टैंक, जाके देख के आए और ये उन्होंने कोशिश की कि हम इसको समझें सीखें और जाके अपने प्रदेशों के अंदर इसको चालू करने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी बात। उसके साथ साथ अंतर्राज्यीय हमारे यहां बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे, उस समय बाहर के लोग भी आए थे, ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं गोष्ठी यहां चल रही थी उसमें बाहर के लोग आए थे, वो थे आपके साउथ अफ्रीका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, नामीबिया के लोग,
ये सब लोगों ने जाके उसको देखा और आज अफ्रीका के अंदर आपके यहां जो काम हो रहा है उसको देख के वहां अफ्रीका के अंदर प्लान करके और वही काम आज वहां काम करने का चालू उन्होंने कर दिया है। ये आप लोगों से सीख के किया है। हमको तो नहीं लगा था कि इतना सक्सेसफुल कोई हो सकेगा, पर जनता ने भी कहा कि चलो ये तो काम अपन कर रहे हैं, पर इसका क्या होगा। आज मैं बताऊं आपको कि एक जमाना था कि खाली 25 ब्लॉक अपने ऐसे रह गए थे पूरे राजस्थान में जहां साफ और मीठा पानी मिलता था। आज वो 25 ब्लॉक 50 ब्लॉक हो गए हैं और मैं सोचती हूं कि अगले साल भी अपना अच्छा काम हुआ, अच्छी बचत हुई, तो वो 50 ब्लॉक 100 ब्लॉक हो जाएंगे और अगले साल अगर ये हुआ तो वो 100 और हो जाएंगे। तो 300 ब्लॉक अपने जो 295 ब्लॉक्स हैं, अगर 295 ब्लॉक्स में से 250 ब्लॉक भी ठीक हो जाते हैं, मानो कि हमारी जनता को कितना फायदा होगा। अभी झावर में गई थी, जहां देवरी में हम लोगों ने चालू किया, वहां एक छोटा सा एक तालाब जैसे था जिसकी पाल ऊंची थी और जिसके अंदर जितना पानी था उसको कुछ लोग इस्तेमाल करते थे, नहीं तो पानी वैसे ही वेस्ट जा रहा था। अब उसको हमने ठीक करने का काम जो चालू किया है, इसमें 70 लाख रुपए उसके अंदर लगेंगे और 70 लाख रुपए करके हम लोग उसको और बढ़ाएंगे तो 470 हेक्टेयर भूमि को अब अतिरिक्त पानी मिलने वाला है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमको पानी मिलेगा। सोचते थे कि हम कहां से अपने खेतों के अंदर पानी डालेंगे। आज वो पानी सामने उनके रखा हुआ है, उसके अंदर वो बूंद बूंद सिंचाई और आके स्प्रिंकलर सिंचाई को इस्तेमाल करते हुए 470 हेक्टेयर जो भूमि और को पानी देंगे। मैं समझती हूं कि ये छोटा काम नहीं है भाइयों, और मैं कुछ आपको बताना इसके साथ भी चाहती हूं। हमने ये तय किया कि अगर टैंक बनता है तो टैंक के चारों ओर अगर पेड़ लग जाता है तो उसका फायदा भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैंने यही पता करने की कोशिश की कि आपके इस क्षेत्र के अंदर करीबन 28,000 पेड़ लगे, कितने पेड़ लगे हैं, कितने पेड़ लगे हैं, 10,662 वाटर बॉडीज पे हैं, 11,000 पेड़ आपके वाटर बॉडीज के चारों ओर हैं और टोटल 72,000 पेड़ आपके लगे हुए हैं। अब हमने एक उसके अंदर नया चीज किया, क्योंकि पेड़ तो लगते हैं फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है, और हमने ये भी कहा है कि अगर पेड़ वहां उग जाते हैं तो आने वाले समय का बस की वर्षा भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए यह तय हुआ है कि 150 पेड़ के ऊपर उसको संभालने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाए और वो व्यक्ति एक एक पेड़ को जियो टैग करने का काम करे, मतलब उसकी तस्वीर लेके हमारे पास ऊपर कंप्यूटर के ऊपर डलवा दे। अब वो 150 पेड़ उसके जिंदा होने चाहिए। अगर वो 150 पेड़ अपने जिंदा रखता है तो उसकी नौकरी रहती है, और मैंने ये कह दिया कि अगर उसके 150 पेड़ मरते हैं तो उसकी नौकरी जाती है और किसी दूसरे को मैं लेती हूं। ये स्थिति अब आने वाले समय के अंदर हमारे सब पेड़ों के लिए 11,000 पेड़ों का देखभाल कोई ना कोई करेगा। इसी के साथ साथ मैंने देखा कि इसका एक्चुअल फल हुआ कि नहीं हुआ, इसका हमने पता करने की दूसरे क्षेत्र के अंदर भी कोशिश की, और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि अभी अभी झालावाड़ के अंदर झालावाड़ के अंदर अकलरा कस्बे में हैंडपंप सूख गए थे, सूखे हैंडपंप में पानी निकलना शुरू हो गया। ये पहले मैंने, और ये आज का नहीं है, 2-3 साल से सूखे हुए थे, वहां पानी निकलना शुरू हो गया क्योंकि आसपास ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर उठ गया है। इस तरीके से फागी तहसील जयपुर में सेमली और मोहनपुरा गांव का मैं बताना चाहूंगी कि कुएं सूख गए थे, आज MJSA के बाद उस सूखे कुएं के अंदर पानी आ गया। जैसलमेर में पोरा गांव है जिसमें उसकी कुएं सूख गई थी और वहां भी अभियान के बाद अब पानी आ गया। अजमेर में जवाजा गांव की सेराबाड़ी में 60 फुट पानी की आवक बढ़ गई है, 60 फुट। और खेकड़ी विधानसभा के देवगांव का उदाहरण भी देना चाहूंगी कि पाम पॉन्ड के निर्माण से भूजल स्तर के अंदर पूरी तरह से वृद्धि हुई है, वो भी नापा गया है और नापने के बाद उसका फायदा भी अपने को देखा है। किशनगंज के अंदर सिरोही में 2,000 लोगों ने एक साथ मिलके और आपका वो ताला बनाया एक दिन के अंदर, और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लोग भी ये काम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपके यहां भी बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसका फायदा आप लोगों को भी मिलेगा। आज मैंने ये भी पता किया कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम थे जो आप लोगों ने मांग की थी, क्योंकि सब लोगों से मिलना भी हुआ। तो इसमें यह भी आया कि पंचायत है एक जहां शहीद राजमल मीणा आपकी तुलसा पंचायत के अंदर 1994 में जम्मू और कश्मीर के अंदर शहीद हुए। आपने मांग की है कि वह स्कूल का नाम उनके ऐसा नाम से हो,
तो वो बात हो चुकी है और मैं ये स्कूल का नाम 94 से लेके आज तक नहीं हुआ है तो उसका कराने का काम अपन लोग करेंगे। इसी तरीके से आपने कहा कि तुलसा में स्वीकृत काम आपके गौरव पथ का वो 4 किलोमीटर की दूरी का है, 2 करोड़ रुपए का है, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर उसका भी काम हम चालू करवा देंगे ताकि वो भी आपका काम हो जाएगा। पशु औषधालय के लिए स्वीकृति आपने भवन निर्माण की स्वीकृति मांगी है वो अपन इसमें ले लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ बट ठीक है। और इसी तरीके से पवन लिफ्ट डैम की ऊंचाई उसके लिए आपने कहा है कि पूर्ण करना है, तो ये कांग्रेस के टाइम में 2013 के अंदर अनाउंसमेंट हो चुका था वैसे आप लोग जानते हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका वर्क ऑर्डर जो 28 तारीख 10 मैंने अक्टूबर के महीने में हो चुका है, 20 दिन के बाद अब आपका कार्य चालू हो जाएगा, दिसंबर 2017 तक हम इसका काम पूरा करना चाहते हैं और 3 करोड़ 70 लाख रुपए का काम है ये, जिसको ऊंचाई का जो काम आप बताना चाह रहे। तो एक तो जीर्णोद्धार है, एक ऊंचाई है और दूसरा जो परवन का बड़ा काम है जिसके बारे में आप लोग बार बार मेरे से पूछते हो, 600-700 करोड़ रुपए तो हमने भूमि के लिए ऑलरेडी अलग से रखा हुआ, वो काम तो चल रहा है। पर जो कल मैं दिल्ली में थी और मैंने पर्यावरण मंत्रालय से भी बात की थी, एक परमिशन बाकी बचता है और इस हफ्ते के अंदर वो कह रहे हैं हमको दे देंगे, जब वो परमिशन हमको मिल जाती है तो हम वो भी काम चालू कर देंगे। और मैं याद आपको ये दिलाना चाहती हूं कि 20 साल तक एमडी का परमिशन हम लोगों को नहीं मिला, आज एमडी का काम फटाफट चल रहा है, कुछ ही दिनों में आपके डैम का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो डैम जिसका किसी ने सपना नहीं देखा था कि हमको मिलने वाला है। और इसी तरीके से मैं कह रही हूं हमारी आदत नहीं है राहुल गांधी और ये सब जो आप लोगों के यहां चलता है वो काम करने की कि आप वोटों के पीछे ही बताएं कुछ, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर हम बताएंगे तो उसको पूरा करके छोड़ेंगे। परवल का काम कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, परंतु ये जीर्णोद्धार और ऊंचाई का काम 2018-17 तक दिसंबर तक उसको पूरा करवाएंगे। पैसे हमारे पास हैं, वर्क ऑर्डर्स मिल चुके हैं और आपके परमिशन आ गए हैं, आपके अवार्ड हो रहे हैं और कुछ ही दिन के अंदर हमारा काम ये भी यहाँ चालू हो जाएगा। तो परवल जिसके पीछे प्यासे आप लोग इतने दिन से चल रहे थे वो भी काम आपका पूरा हो जाएगा। नहीं आप बोलोगे नहीं तो नहीं मिलेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप क्या है इतने शांति से क्या बोल रहे हो? हाँ ऐसे तो हाँ हो गया। अच्छा मैं कुछ कुछ काम मैं याद दिलाऊंगी आपको। 12 में नया इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी खोलने की स्वीकृति जारी भी हो रही है, मैं उसका पैसा भी आपके लिए अलग करके उसका काम चालू जल्दी करवाना चाहती हूँ। अच्छा आप तारी बजाओ ना जो से फिर तो देखते ना भी मैं गाय को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपने से रिकॉर्ड खराब करना है। हाँ छबरा कंध ऊपर क्रिटिकल जो आपका खबर पावर प्लांट है उसके 4 इकाई तो प्रारंभ कराए दिए गए हैं, 5 और 6 कार्य प्रगति पे है और ये होते ही परियोजना की क्षमता आपकी 2320 मेगावाट हो जाएगी, पहले ये 750 थी। जिले के अंदर 107 अन्नपूर्णा भंडार खोले जा रहे हैं, अभी कुछ तो चालू हो गए हैं कुछ भी चालू होने वाले हैं पर 107 हो जाएंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। नगर पालिका मांगन के अंदर 13 करोड़ रुपए बाढ़ और वर्षा के पानी की निकासी के लिए जो हमने विकास का काम किया है वो भी मैं समझती हूँ बहुत जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने कह रखा है कि उसके ऊपर निगाह रख के जल्दी जल्दी ये काम कराना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बड़ा शहर का बाढ़ बचाओ इस बार बरसात के पहले 126 करोड़ का जो काम अपन ने चालू किया था वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं समझती हूँ कि इस बार इतनी भयंकर वर्षा के बाद भी जो पहले हुआ करता था आपको याद है कि ऐसी बरसात आती थी तो रघुवीर सिंह जी कौशल हम कई बार 5-5, 6-6 फुट पानी में यहाँ आपके बाढ़ के अंदर टीलों के ऊपर खड़े रहे, ये इस बार आपकी परिस्थिति नहीं हुई और इसकी नहीं हुई क्योंकि ये डायवर्जन चैनल बन गया था और इस चैनल की वजह से आप बच गए और मैं समझती हूँ कि अब छोटा सा हिस्सा और जो बचा वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कभी भी आपको इससे दुखी नहीं होना पड़ेगा। जिला अस्पताल बारा वहां आपके बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, वहां अच्छा गर्म खाना भी आप लोगों को मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि सेकेंड फेज में अडानी ग्रुप आपका नर्सिंग कॉलेज का काम भी वहां चालू कर देगा तो ये अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा।
आटू खेरलीगंज के कवल कस्बे और 34 ग्राम को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए 80 करोड़ रुपया हमने अलग से अटू शेरगढ़ पर पेयजल परियोजना को हमने अलग से चालू किया था। मुझे याद है जब मैं एमएलए थी एमपी थी तो उस समय इसकी बात चली आ रही है, तो इसलिए मेरे को जो कहा कि 80 करोड़ रुपए आप कर रहे हो, मैंने कहा 80 करोड़ रुपए तब खर्च किया होता तो 10 करोड़ रुपए होते, और कहते कहते अब 80 करोड़ रुपए हैं परंतु 80 करोड़ रुपए अपन खर्च करेंगे क्योंकि ये जनता बहुत दिन से प्यासी मर रही है, इसलिए उनके लिए इंतजाम हमने को करने की जरूरत है। अठरू खेड़ीगंज रतनपुरा कस्बे की पेयजल पाइपलाइन बार बार खराब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और इसके समाधान के लिए जो पुरानी जो आपकी लाइनें हैं उनको बदलना और उसके लिए करीबन 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने जारी करवा दी है। पर्यटन के विकास के लिए जिले में 2000 वर्ग मीटर भूमि पर एक फूड क्राफ्ट सेंटर, जैसे झालावाड़ में एक ये दोनों एक साथ काम करेंगे, एक फूड क्राफ्ट और एक होटल मैनेजमेंट, दोनों का काम यहां हो जाएगा, तो यहां के बच्चे जब निकल के जाएंगे तो उनको जल्दी जल्दी नौकरी भी मिल जाएगी। और इसी तरीके से मैंने कह दिया है कि मंत्री जी को एक दफा बुलाएंगे पर्यटन मंत्री को, और पांचों जो राजस्थान के हैं वो एक जगरंगा खड़ा करके बाहर के अंदर मिले उनको पांचों का शिलान्यास बने पत्थर बनाने का काम अपन कर देंगे। 16-17 करोड़ रुपए की स्वीकृति गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना किशनगंज का पुनर्द्वार वो कराया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है देख के कि मेरा हर्बल गार्डन जो नाहरगढ़ के अंदर आप लोगों ने चालू किया था वो बहुत अच्छी तरह से चालू हो गया है, लोग भी उससे बताते हैं खुशी का, बहुत अच्छा चल रहा है। 204 करोड़ रुपए की स्वीकृति से नासी मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य अब हो गया है, 12 ग्राम की 2540 हेक्टेयर भूमि इसमें से सिंचित होगी, उसका फायदा भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा और ये भी बहुत दिनों से आपकी प्रॉब्लम है वो चलती आ रही। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि नहीं मैंने जो लिस्ट आपको कही थी कि आज भामाशाह जो आपके BSBY है भामाशाह बीमा योजना, ये एक बहुत अच्छी स्कीम हम लोगों ने चालू की। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 30,000 रुपए से लेकर 3,00,000 रुपए की आप लोगों को बीमा मिल जाती है और ये पूरे देश के अंदर सबसे बेस्ट स्कीम माने सबसे ज्यादा पेइंग स्कीम है। आज झालावाड़ के अंदर तो करीबन 26,000 लोगों को और यहाँ करीबन 21,000 मरीजों को का इलाज हो चुका है और लाभ दे दिया गया है, उसके अंदर हार्ट का है, उसके अंदर यहाँ क्लेफ्ट पैलेट का है, उसके अलग अलग ऑपरेशन है और ऑपरेशन के लिए किसी को कहीं पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये बीमा के थ्रू हो गया था और सरकार उस बीमा को संभालती है। और मैं मानती हूँ कि ये स्कीम आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी, आगे चल के आप लोगों का इसका फायदा मिलेगा। अपने राजश्री में कितने लड़कियों को किया है? अभी हमने ये तय किया कि हमारी बालिका जो है वो हमारी लक्ष्मी है और इसलिए दूसरे प्रदेशों में भली स्कीम आती होंगी परंतु हमारे प्रदेश के अंदर वो स्कीम आनी चाहिए जो सबके लिए, इसे राजश्री जून के अंदर हम लोगों ने शुरू की। जैसे बच्ची होती है तो उस बच्ची को हम लोगों ने यह तय किया कि सबसे ज्यादा पैसा माने 12वीं तक अगर वो स्कूल में रहती है उसको पूरे 50,000 रुपए मिल जाते हैं। पहला होती है तो 2,500 रुपए, पहले साल में 2,500 रुपए, फिर पहले क्लास में 4,000 रुपए, फिर आगे छठी क्लास में 5,000 रुपए, फिर 9वीं क्लास में आई इसके रहती है स्कूल में तो 11,000 रुपए और आखिर में 12वीं से वो पास होकर वहीं से निकलती है तो 50,000 रुपए उसको पूरे पढ़ाई करने के लिए वहां स्कूल में रहने के लिए रहते हैं। और आज मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि 5,000 से ज्यादा बालिकाएं जो पैदा हुई हैं तो उनको ये स्कीम में फायदा मिल चुका है। 5 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा उन लोगों के पास आ गया, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से आपके 50 ग्रामीण गौरव पथ जो मैं मेरे दोनों मंत्रियों को बहुत बहुत पर है उनने बहुत मिलकर जुट के अच्छा काम किया है। आपके यहाँ ग्रामीण गौरव पथ यूनिट साहब ने पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जुट के करवाया है और किसान गौरव पथ प्रभुराज जी ने जुट के करवाया है, इन दोनों ने जो आपके ये रोज का काम करवाया है ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक काम साबित होगा। मैं सबने मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आपके सॉइल हेल्थ कार्ड भी अब बहुत सारे हो चुके हैं, कितने सॉइल हेल्थ कार्ड हुए? करीबन 60,000 आपके सॉइल हेल्थ कार्ड अब वितरित हो चुके हैं और ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है।
64 गांव में किसान पथ अब बन चुके हैं. कितने गांव? 64 गांव. तालाब अंतर का सौंदर्यकरण उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए बहुत ही जल्दी पीएमडी से को मैंने वो तो मिली जाए, काम भी चालू हो जाएगा. और अंत में स्टेडियम के लिए इस वर्ष 1 करोड़ खर्च होगा. 3 करोड़ कुल बनवाने हैं. और अंतर शहर में गौरवता तार का टेंडर हो गया है. मांगरोल में कॉलेज चालू, सीसवाली में कृषि निजी क्षेत्र में कृषि कॉलेज और शीस वाले मॉडल स्कूल. भैया इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं कि आप लोग थक गए हैं सुन के. मैं यही पूछ रही हूँ, कोई सुनना नहीं चाहता है कि भाई क्या काम हो रहे हैं. अब तो भामा चला क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये अपना एक बड़ा काम हो रहा है, इसमें आप मेरे को भामा चलाओं की जरूरत है. तो थर्मल पावर प्लांट छोड़ा, ये हम लोगों को 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं क्या वो थर्मल पावर प्लांट. मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, खड़े तो हो जाओ. थैंक यू. 5 करोड़ हम लोगों को बहुत मदद करेगी. थैंक यू वेरी मच. अडानी पावर प्लांट की ओर से हम लोगों को यहाँ गवाई के अंदर 50 लाख दे रहे हैं. एनटीपीसी अंतर नहीं भैया ये नहीं चले. कहाँ है एनटीपीसी अंतर? कहाँ है? नहीं ये क्या है? हाँ बात करें आप उनसे. नो 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 ऐसे नहीं होगा. हाँ छब्बा थर्मल पावर प्लांट अपने को 5 करोड़ दे रहा है. और आप जनता की बात करके बैठे हुए लोगों के बीच में मैं तो शर्माती हूँ. मैं तो एक किसान ने नाम ना लू इतना बुलाया आपने, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको चेंज करके मेरे को खबर करें कि आप अपने सीएसआर और इतने सालों के सीएसआर में हमारे लिए क्या कर रहे थे. और इसी तरीके से तरसीम कुमार गर्ग चेयरमैन महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय ट्रस्ट मुलाना अम्बाला से ग्राम रानी हक गोद लेना और तारा का सौंदर्यकरण और मेहरबंदी और प्रेरणा ये हमारे डॉक्टर राजा बाबू परमार वाइस चांसलर आरडीएचएस के द्वारा हमको पैसे दे रहे हैं 20 लाख का थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश आपको करनी है. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ये लिमिटेड जयपुर ग्राम तुलसा में एंड का निर्माण के लिए पूरे पैसे दे रहा है. और टोटल अभी हमको सब लोगों से 7 करोड़ रुपया मिला है. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि छोटे छोटे भी हम लोगों ने लिए क्राउड फंडिंग में पिछले साल हमने 53 करोड़ रुपया पूरे राजस्थान के अंदर खर्च किए. और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 1000 रुपए हो, 5000 रुपए हो, 10000 रुपए हो, कितने हो, छोटा नहीं है हम लोगों के लिए. क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है. चाहे वो 1 रुपए कितना हो, वो हमने हमारे पैसे की हमारे खून पसीने की कमाई में लगाई है. यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ये एक घर है. सब जाति एक है, सब मजहब एक है. और हमारा काम सिर्फ एक है कि हम अपने इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाएं. और अगले 2 साल के अंदर हमको अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, चमकाना है. उसके लिए आप लोग सबको कैसे मकाम करना है वो आपके ऊपर है. मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी संख्या में आप लोग सब यहाँ आए. बहुत बहुत आप लोग सबको धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद. और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में आप लोग भी अत्यधिक शुरू में इस काम के अंदर लगे. थैंक यू.